हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो बाय सो रेडमी 13 5G फ़ोन है। तो रेडमी 13 5G फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप वाईफाई ऑन नहीं होने की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और वाईफाई प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर पाएंगे रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम बताने वाले हैं कि वाईफाई ऑन नहीं होने की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे कर पाएंगे रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो बताने वाले हैं कि वाईफाई ऑन नहीं होने की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही बेल आइकन से ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। इसके जरिए वाईफाई ऑन नहीं होने की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने रेडमी फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपके पास सेटिंग्स आ गए हैं। यहाँ से आपको जाना होगा कनेक्शन एंड शेयरिंग्स पर जाकर आप वाईफाई ऑन पर जाकर अपने फ़ोन में वाईफाई ऑन नहीं होने की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और कर पाएंगे। सिंपली देख सकते हैं कि रीसेट एंड वाईफाई नेटवर्क सेटिंग्स आ गई है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं और उसमें पासवर्ड डाल देंगे तो ओके करते जो भी सेटिंग्स से आपकी वाईफाई की रीसेट हो जाएगी, और रीसेट होते ही वाईफाई की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं और ओके करते रीसेट करते ही अपने वाईफाई और नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर पाएंगे और रीसेट करते ही वाईफाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से वाईफाई की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो